भारी बारिश की वजह से हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही हुई है। शनिवार को ही तकरीबन 20 लोगों की मौत हुई और 4 के करीब लोग जो हैं अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम कटौला गांव, मंडी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उससे तकरीबन 20 किलोमीटर दूरी यह गांव है, वहां खड़े हैं। और शुक्रवार रात को तकरीबन 10 बजे बादल फटने की वजह से यहां जो बाढ़ आई उसने जो तबाही मचाई वो मंजर आपको दिखाएंगे हम। ये जो साथ में आप जो खड्ड देख रहे हैं ये असल में बाघी खड्ड है। बाघी खड्ड ये ऊपर जब यहाँ इस स्थान से जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर ऊपर फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन पराशर झील है, पराशर लेक जिसको कहते हैं, तो वहाँ उस तरफ बादल फटने की घटना हुई थी और ये बागी खड्ड में जो है उफान आ गया था, बाढ़ आ गई थी और जिसकी चपेट में जो कटौला गांव के जो लोग हैं जो यहाँ घरों में रहते हैं वो आ गए थे। हालांकि जब ये बाढ़ आई तब लोगों को जो है इस चीज़ का आभास हो गया उनको कि बाढ़ जो है आ रही है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो उस खड्ड में जो है आ रहे थे बाढ़ के साथ। तो ये लोग जो तकरीबन 35 लोग जो हैं इन घरों में जो रहते हैं वो अपने आप को सेफर प्लेस पे ले जाने की कोशिश करते हैं, सेफ जगह पे ले जाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर लोग क्रॉस कर जाते हैं मगर उसमें से 6 के करीब लोग जो हैं उस बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं और जिनमें से 4 लोग जो हैं अभी भी मिसिंग हैं। तो फिलहाल आप तस्वीरें ये देख सकते हैं, ये एक घर था, 2 मंजिला घर ये एक व्यक्ति का था जो इस बाढ़ की चपेट में आया। और कितने बड़े पत्थर जो हैं, अगर हम इन पत्थरों की बात करें तो साइज जो है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितने बड़े पत्थर हैं। घर के पूरे घर को जो हैं अपने साथ जो हैं ये पत्थर जो हैं ले जाते हैं, कितने साइज के, कितने बड़े साइज के पत्थर जो हैं। दूसरी तरफ जिस तरफ से ये लोग आ रहे हैं ये असल में खड्ड नहीं थी, ये तमाम जो हैं ये खेत थे, लोगों के खलिहान थे, यहाँ कुछ एक घर थे जिसमें मवेशी जो हैं, पशु जो हैं वो बांध रखे थे। ये पत्थर जो आपको नज़र आ रहे हैं अभी खड्ड की शक्ल में ये असल में पत्थर नहीं थे, ये खेत थे। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही जो है यहाँ पे हुई है। तो दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहाँ ये जो खड्ड है, इस खड्ड पे जहाँ पहाड़ी टूटी हुई नज़र आ रही है वहाँ पे एक पुल था, उस पुल का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का सा निशान बचा है उसका साइड में। वहाँ जो पहाड़ी का जो हिस्सा दिख रहा है वो असल में एक पुल था जो सामने पहाड़ी पे घर बने हैं उन लोगों तक, उन लोगों का मेन सड़क से जो है कनेक्शन था पैदल चलने के लिए। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि किस तरीके की तबाही जो है इस कटौला गांव में जो है हुई है। तमाम लोगों की घर जो हैं घर बह गए हैं, अभी लोग मिसिंग हैं, जो 3 बॉडीज जो हैं रिकवर हुई हैं और 4 लोग मिसिंग हैं। असल में जब ये घटना हुई तो जब पराशर झील की तरफ से बादल फटा तो एक शख्स जो है इस गांव से थोड़ा ऊपर जो है वहां से मिसिंग है और 6 लोग जो हैं यहां जो है पानी के बहाव के साथ जो है वो बह गए थे। तो 7 लोग कुल जो है वो इसकी चपेट में आए थे जिनमें से 3 की बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं और 4 लोग जो हैं अभी भी लापता हैं। तो अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं इस बहाव में जो हैं आए हैं। लोकल्स हैं कुछ एक यहाँ जो रहते हैं इन घरों में, उनसे हम बात करते हैं कि कितने लोग थे, क्या क्या हुआ। क्या नाम है आपका? शौकत अली। शौकत अली जी, शुक्रवार रात को हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, थोड़ा सा हमें बताओ। शुक्रवार रात को 10 बजे हुआ, यहाँ पीछे से स्लाइडिंग हुई, कहाँ से मतलब यहाँ से मतलब भागने के लिए निकल रहे थे पाली साइड को, मतलब रास्ते में मतलब 12 लोग इकट्ठे थे वहाँ, मतलब फिर 6 आदमी निकल के 6 रह गए, मतलब वो 3 डेड बॉडी भी हमें मिल गई, 3 नहीं मिली अभी। हाँ जी, और एक शख्स और मिसिंग है शायद, वो किसी दूसरे जगह से जो है बह के आया था, वो मिल गई आज सवेरे, नहीं मिली, नहीं मिल गई आज सवेरे, मिल गई ऐसा सुनाई मिला है, पता नहीं। फिर यहाँ हमारा घर था मतलब 2 मंजिली, ये भी गिर गया, मतलब खत्म हो गया, सामान था इसमें सारा ही, मतलब कपड़े का रहने, खाने पीने क्या वस्तु हर एक चीज थी यहाँ हमारी। कितने घर हैं यहाँ जो इस खड्ड के किनारे थे? यहाँ तो हमारे घर 10-12 घर इस एरिया में है हमारे इस। हाँ जी, हाँ जी, वो उन 10-12 घरों के लोग जो है अपने आप को सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, यहाँ से निकल रहे थे सुरक्षित जगह पे, मतलब फिर वो 6 बंदे चपेट में आ गए, 6 निकल गए। हाँ जी, कम से कम यहाँ 40-50 बंदे हैं हम रहने वाले, एक साइड में निकलते रास्ते में निकल रहे थे, मतलब वैसा यहाँ कोई डंगार की जगह नहीं है, खेती बाड़ी है हमारी, मक्की बीजी हुई है, मतलब। तो ये जो जितने पत्थर नजर आ रहे हैं पीछे, ये सारी खेती की जमीन थी? ये पीछे से कोई स्लाइडिंग हुई उससे ही आए, मतलब
यहीं से निकले होंगे या पीछे। अदरवाइज यहाँ पे जो है आप लोगों ने फसल लगा रखी थी? फसल लगाई हुई थी जैसी ये गांव लगा हुआ था उधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अंदाजा हम लगा सकते हैं तबाही का कि किस तरीके की तबाही जो है यहाँ कटौला गांव में हुई है। फिलहाल 4 लोग जो हैं वो लापता हैं, 3 बॉडीज जो हैं वो रिकवर हो चुकी हैं प्रशासन की तरफ से जो बताया जा रहा है। तो इस तरीके की तबाही जो है इन गांवों में हुई है बादल फटने की वजह से। हिमाचल प्रदेश में इस बार जो है बादल फटने की घटनाएँ और लैंडस्लाइड की वजह से जो है भारी तबाही हुई है। और कटौला गांव भी बाढ़ की चपेट में आया था, जहां पे 4 लोग अभी भी लापता हैं। कैमरा पर्सन वेदराम के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़, कटौला गांव, मंडी।